अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अगस्त 2021 है और आप लोग देख रहे हो सऊदी अरब की डेली कोरोना रिपोर्ट। अब से कुछ वक्त पहले सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कोरोना वायरस के मुताबिक नया अदद शुमार जारी किया, जिसमें सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 850 नए कोरोना मरीज रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें मुंतका मक्का मुकरमा 166, मुंतका रियाज 143, मुंतका शर्की 128, मुंतका सीर 88, मुंतका जिजान 81, मुंतका कसीम 55, मुंतका मदीना मनौरा 48, मुंतका नजरान 37, मुंतका हायल 32, मुंतका तबुक 23, मुंतका बाहा 22, मुंतका हदूद शुमालिया 17 और मुंतका जोब 10, जिसके साथ अब तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाली मरीजों की टोटल तादाद 5,32,785 हो गया, जिसमें 10,103 एक्टिव मरीज है जो कि सऊदी अरब की मुख्तलिफ मनातक के अस्पतालों में जेर इलाज है, जिससे 1,404 मरीजों को इंतहाई नहदाश में रखा गया है। इसके साथ साथ वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9 अफराद वफात हुए हैं, जिसके साथ अब तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से वफात होने वाली मरीजों की टोटल तादाद 8,320 हो गया। इसके साथ साथ वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 975 नए कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जिसके साथ अब तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाली मरीजों की टोटल तादाद 5,14,362 हो गया।